नमस्कार, इसके मल्टीटास्क यूट्यूब चैनल पर सहायक ज्ञान में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था वेद तीन हैं और उसके बाद चार हुए, तो हम आइए पूरी डिटेल जानते हैं चारों वेदों के बारे में। जी हाँ, पहला वेद हमारा है ऋग वेद। प्राचीन भारत अर्थात सप्तर्षि, सात नदियों वाले देश के ऋषियों ने अर्थात आर्यों ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के मंत्रों का अवलोकन किया। ऋग्वेद संसार की प्राचीनतम रचना है। इस प्राचीनतम ग्रंथ से भारत के आधुनिक पुरातत्वी विद्वानों से भी अधिक ज्ञान युक्त मानवीय इतिहास की उपलब्धि पाई जाती है। ऋग्वेद की अपनी संहिता है। संहिता मंत्रों के संग्रह को कहते हैं। भारतीय प्राचीन प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर प्राचीन ऋषियों ने जो मंत्र रचना की, यही ऋग्वेद में उपलब्ध होती हैं। संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। पहले तथा दसवें मंडल में छोटे वंशों की रचनाएं हैं। नवम मंडल में सोम संबंधी मंत्र हैं। दूसरे मंडल में गृष्मद गोत्र के सदस्यों की रचनाएं हैं। तीसरे में विश्वामित्र गोत्र के, चौथे में वामदेव के गोत्र के, पांचवें में अत्रि गोत्र के, छठे में भरद्वाज गोत्र के, सातवें में वशिष्ठ गोत्र के एवं आठवें में कंठ तथा अंगिरस गोत्र के ऋषियों की रचनाएं हैं। इन मंडलों में जो अध्याय है वे सूक्त कहलाते हैं। इसके मंत्रों में पहले अग्नि देवता तथा इंद्र देवता के मंत्रों को संपादित किया गया है। पुनः अन्य देवताओं के मंत्रों को छंदों के अनुसार भी पहले बड़े जगती जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है, बाद में गायत्री जैसे छोटे छंदों का। ऋग्वेद के संस्करणों में केवल सकल संस्करण उपलब्ध है। इसमें कुल 1017 सूक्त हैं। इन सूक्तों में कुछ संवाद सूक्त भी हैं, जिनसे आगे चलकर महाकाव्य एवं नाटक साहित्य का जन्म हुआ है, जैसे विश्वामित्र एवं नदियों का, पुरुरवा एवं उर्वशी का, शर्मा एवं परी का तथा यम तथा यमी का संवाद। ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन एवं संस्कृत का उल्लेख मुक्ता पुरुष सूक्त में उपलब्ध है। इसमें संयुक्त परिवार का, चारों वर्णों का वर्णन उपलब्ध होता है। उस समय जाति प्रथा का कठोर रूप से पालन नहीं था। जो दस्य आदि थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। महिलाएं स्वतंत्र थीं, शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। संगीत नृत्य एवं दौड़ मनोरंजन के साधन थे। आभूषणों एवं उत्तम वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। अधिकतर जनता ग्रामीण था। किस तथा बैलों का महत्व था। धातु गलाने, चर्म शोधन, बढ़ई एवं जुलाहे के कार्यों का महत्व था। राजा प्रजा सभा समिति सेनाही पुरोहित तथा प्रशासनिक इकाइयों के वर्णन से पता चलता है कि भारतीय सत्ता ऋग्वैदिक काल में पर्याप्त प्रोन्नत एवं अग्रसर थी। जी हाँ, दूसरे वेद के बारे में चलते हैं आगे। यजुर्वेद अधवर्यु पुरोहित के प्रार्थना पत्रों का संग्रह ही यजुर्वेद है। महर्षि पतंजलि के अनुसार इसकी 106 शाखाएं थीं। आजकल इसकी काठक, कपिष्ठल, मैत्रिणी, तैत्रिणी एवं वाजसने, यही 5 संहिताएं उपलब्ध हैं। पहली 4 कृष्ण यजुर्वेद कहलाती हैं तथा वाजसने संहिता शुक्ल यजुर्वेद कहलाती हैं। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र के अतिरिक्त यज्ञ विधि का भी वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र ही मंत्र हैं। यजुर्वेद मुख्यतः अनुष्ठान विषयक संहिता है।
अधिक प्रचलित वासने संहिता में कुल 40 अध्याय हैं। इसमें सर्वप्रथम 10 पूर्ण मास पिंड पित्र यज्ञ का वर्णन है। तदंतर दैनिक यज्ञ, अग्निहोत्र, चतुर्मास एवं सोम यज्ञ आदि का वर्णन है। 22 से 25वें अध्याय में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। 34वें अध्याय में शिव संकल्प उपनिषद का, 35वें में अथेष्ट का, 36वें से 39वें तक में सूर्योनुष्ठान का तथा 40वां ईसो उपनिषद का। यजुर्वेद में पद एवं गद्य दोनों उपलब्ध हैं। गद्य का जन्म यहीं से स्वीकृत किया जाता है। गद्य को ही यजुप कहते हैं। यहाँ देवताओं की आहुति के लिए स्वाहा तथा पितृदान के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि यजुर्वेद ऋग्वेद के समान सरल नहीं है, अपित कर्मकांड के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला तीसरा वेद सामवेद। पुराणों के अनुसार सामवेद की 1000 संहिताएं थीं। आजकल उनमें से केवल कौथुमास, रणानी एवं जैमिनी, ये 3 संहिताएं ही उपलब्ध हैं। सामवेद अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों के अर्थात छंदों के भिन्न भिन्न पाठ प्रस्तुत किए गए हैं। सामवेद के अर्चिका भाग में लय की शिक्षा दी गई है तथा उत्तराचिका से उन्हें गाने की शिक्षा दी जाती है। सामन शब्द का अर्थ भी लय अथवा स्वर है। सामवेद में कुछ ग्राम गे गान हैं तथा कुछ अनन गान हैं। इन्हें में उगान ग्राम गे गान से संबंध है तथा उगान अनन गान से संबंध है। कुछ राग ऐसे हैं जो धार्मिक समारोहों व त्योहारों में गाए जाते थे। सामवेद के मंत्रों में सम्मोहन शक्ति मानी जाती है। इस प्रकार ऋग्वेद साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यजुर्वेद कर्मकांड की दृष्टि से तथा सामवेद भारतीय संगीत के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला चौथा वेद अथर्वेद। अथर्वेद में भूत प्रेतों का वर्णन है। भाषा की दृष्टि से यह बात की रचना है, अतः वेद त्रय में इसकी गणना नहीं होती। इसमें वे वशीकरण मंत्र भी हैं जिन्हें तांत्रिक प्रेत आत्माओं को वश में करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अथर्वेद के सभी सूक्त व्यक्ति परक हैं, क्योंकि इन मंत्रों द्वारा व्यक्ति संतुष्ट करता है, वरदान पाता है अथवा किसी को अभिशाप देता है। इन्हीं मंत्रों के द्वारा भौतिक सुख समृद्धि के उपाय भी खोजे जाते हैं। अथर्वेद को अथर्वागिरस वेद अर्थात अथर्व एवं अंगिरस वेद कहा जाता है। दुर्भाव, अविचार एवं अभिशाप के मंत्रों का संबंध अंगिरस से है तथा सद्भाव से। इन जाल का संबंध अथर्वन से है। इस प्रकार अथर्वेद प्रांग ऐतिहासिक युग के विश्वासों एवं अंधविश्वासों से पूर्ण एक रोचक ग्रंथ है। अथर्वेद में 731 सूक्त हैं तथा लगभग 6000 मंत्र हैं जो 20 कांडों में विभक्त हैं। अथर्वेद में भी सामवेद के समान अधिकतर ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। अथर्वेद को छत्रवेद भी कहते हैं। इसमें राजाओं के राज्याभिषेक से संबंध अनुष्ठानों का भी वर्णन है। इस प्रकार के निरोग करने वाले वैश्यजानी मंत्र भी हैं जो रोगों को रोग से मुक्त होने के उपाय बताते हैं। अथर्वेद के चिकित्सा सूक्त आयुर्वेद के इतिहास में आदि स्रोत का काम करते हैं। इसी प्रकार अथर्वेद में बालक के मुंडन तथा उपनयन से संबंध पौष्टकानिक मंत्र भी हैं।
इन्हीं में भवन निर्माण, बुवाई तथा अनाज की पैदावार के साथ साथ खेत के कीड़ों, अग्नि, जंगली जानवरों तथा डाकुओं के विरुद्ध प्रयुक्त होने वाले मंत्र भी हैं। अथर्ववेद में दार्शनिक सूक्त भी हैं, जिनमें मुक्ता क्षत्रियों के विचारों का समन्वय है। वस्तुतः अथर्ववेद लोक प्रचलित विश्वास एवं जादू टोनों का ग्रंथ है। अथर्ववेद मानव विज्ञानम वेदता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले भाग में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।